हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने फेसबुक आईडी को ओवरलाइट बना सकते हैं न्यू सिंबल के साथ, वो भी एफबी लाइट में बड़ी आसानी से। तो ये एकदम न्यू मेथड प्रोसेस न्यू सिंबल के साथ है दोस्तों, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि ओवरलाइट आईडी जो है, अगर आप बना लेते हैं तो कोई भी आपके प्रोफाइल पे रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये फुल ओवरलाइट आईडी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी आईडी जो है फेसबुक लाइट में ओपन कर लीजिए। मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए, तो ये अभी ओवरलाइट नहीं हुई है। अब मैं इस आईडी को ओवरलाइट करूँगा। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइए, उसके बाद नेम एडिट ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने देखिए ऐड ए निकनेम ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ओवरलाइट सिंबल मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आप HTML व्यूअर हो या कोई भी व्यूअर से आप देख सकते हैं, तो नहीं तो आप ES नोट एडिटर भी डाउनलोड कर लीजिए, उससे आसानी से कॉपी हो जाता है। तो 1 MB का सिंबल है दोस्तों, तो मैं ये ES नोट एडिटर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर इनवैलिड ओवरलाइट जो सिंबल है वो दिखाई देगा। अब ऊपर एडिट ऑप्शंस मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस सिंबल पे टैप कीजिए, उसके बाद ऊपर सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस पे टिक कर दीजिएगा, तो ये पूरा कॉपी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सिंबल को जो है वो कॉपी पूरा कर लीजिए। करने के बाद फिर से एफबी लाइट में आप आ जाइए। अब यहाँ पर आपको दोस्तों, सबसे पहले शो एट टॉप ऑफ प्रोफाइल पे आप टिक कर लीजिए, उसके बाद कोई भी निक नेम जो भी आप अपने मनपसंद का रखना चाहते हैं उसको वहाँ पर लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर डेविल लिख लेता हूँ। अब नेम के बाद दोस्तों, आपने जो सिंबल कॉपी किया है उसको 20 टाइम्स मिनिमम आपको यहाँ पर पेस्ट करना है नाम के बाद। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं 20 टाइम्स से, पर उससे कम मत कीजिएगा, 20 टाइम्स तो मिनिमम ज़रूर कर लीजिएगा फुल ओवरलाइट के लिए। तो यहाँ पर अब मैं 20 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ और वीडियो को भी थोड़ा पॉज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा 20 टाइम्स इसको यहाँ पर लोड करके पेस्ट करने में, तो मैं वीडियो को भी थोड़ा पॉज कर दूंगा और जब मेरा 20 टाइम पेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू आगे करूंगा। तो 1 MB का है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वीडियो मैंने 20 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर दिया है। अब आपको सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये प्रोसेसिंग होना शुरू करेगा। 1 MB का है, इससे थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ऊपर से आपका नेट भी थोड़ा फास्ट हुआ तो जल्दी हो जाएगा। तो ये मिनिमम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक ले सकते हैं, आपके नेट पे थोड़ा, नेट के स्पीड पे थोड़ा निर्भर है और थोड़ा इसके प्रोसेसिंग में। तो जब होगा तब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा आपका शो होगा, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, जब आपकी आईडी ओवरलाइट हो जाएगी, पूरा प्रोसेसिंग डन होगा। तो 10 मिनट के अंदर आपका ऐसा हो जाएगा। इसके बाद बैक जाके मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि आईडी ओवरलाइट हुआ है कि नहीं। थोड़ा मेरा नेट भी स्लो है। फास्ट अगर नेट हो तो जल्दी हो जाता है। अब ये देखिए, रिफ्रेश करता हूँ मैं इस पेज को और ये देखिए ऐसा शो होगा, तो आपका प्रोफाइल जो है ओपन नहीं होगा। तो खासकर ये फाइटर लोग ही जो होते हैं वो ये आईडी को करते हैं ताकि उनके आईडी पे कोई रिपोर्ट ना कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये ओवरलाइट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिए।